सो वीन द रिग्रेसन एनालिसिस सिम्पल इन ए रिग्रेशन इन एसपीएस एंड नाउ इट्स टाइम टू इंटरप्रेट दिजा जब हम ओके okay का बटन दबा देते हैं तो हमारे पास वो सारी आउटपुट पॉइंट दे देते हैं स्पीएस के अंदर जो पहली टेबल हमें वो देता है वो है स्कैटर प्लॉट की तो स्कैटर प्लॉट इस तरह का है स्कैटर प्लॉट ये हमारा एक्स और वाई वेरिएबल का नहीं है बल्कि ये स्कैटर प्लॉट हमारा स्टैंडर्डाइज रिजिजुअल्स का है रिजिजुअल्स क्या होते हैं एरर टर्म एरर क्या है एक्चुअल प्रोडिक्टेड का जो डिफरेंस है एंड वट वी आर होपिंग टू सी इन दिस कैटर प्लॉट ऑफ द स्टैंडर्डाज रिजिजुल इट शुड बी रेक्टेंगुलर यानी जितने भी डॉट्स हैं वो स्प्रेड ऐसे होने चाहिए कि वो कोई भी पैटर्न नहीं शेप करे बल्कि हमें पता चले कि जो हमारा रिजिजअल है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो so, सो so अगर इसमें डिविएशन हो या फिर हमारा कोई कर्वी लीनियर पैटर्न बन रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो है डेटा में कोई प्रॉब्लम है डिविएशन द देंट्रलाइज्ड रेक्टेंगल सजेस्ट सम्पशन तो अगर हमारा कोई इस तरह कर्विलीनियर बन रहा हो या ज़्यादा पाइलिंग स्कोर्स की यहाँ पे है और यहाँ पे कम है तो इसका मतलब है कि डेटा में प्रॉब्लम है सो वॉट यू वॉन्ट टू सी इन दिस स्टैंडर्डाइज रिजिजल प्लॉट यू वॉन्ट टू सी अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ डेटा अब रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ डेटा का मतलब है कि ये आपकी एरर है और ये आपका प्रोडिक्टड वैल्यू सोच छुड बी कैंड आ डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली दूसरा हमारी नॉर्मेलिटी के ज़म्पशन है सो so नॉर्मेलिटी के ज़म्पशन को हम पी पी क्योंकि पी पी प्लॉट के साथ हम चेक कर सकते हैं एंड वट वी वॉन्ट टू सी के दीज डॉट्स शुड बी हगिंग दिस लाइन तो इस लाइन के अराउंड सारे डॉट्स होने चाहिए अगर कोई भी वो डिविएट कर रहा है तो उसका मतलब है कि डेटा में नॉर्मेलिटी का इशू है लेकिन इस डेटा के मुताबिक हमें लग रहा है कि उस सारे लाइन के इर्द गिर्द ही फॉर्म हो रहे हैं सो इट इज़ मोर लेस लाइक वी आर मीटिंग दिस जम्पन अगर कुछ डॉट्स यहाँ पे स्कैटर्ड हो तो इसका मतलब कि हमारी डिविएशन uh, है फ्रॉम द नॉर्मेलिटी अच्छा अब हमारे पास नॉर्मेलिटी की जम्पन हो गई चेक हमारी लिनियरिटी की जम्प्शन हो गई और लीनियरिटी की जम्प्शन आपकी सिंपल कोरलेशन का जो स्कैटर प्लॉट है उससे भी आप चेक कर सकते हैं हमारी फिर चूँकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो इसके अंदर हमें होमोस की और मल्टी कोलिनियरिटी की चेक करने की जरूरत नहीं है सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन मॉडल हमारे पास ये टेबल मेन मॉडल में आता है और इसके अंदर हमें जो आर इज़ अ कोरिलेशन सिंपल एक्स और वाई का यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का और आर स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस एक्सप्लेन है यानी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने परसेंट वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज़ पॉइंट एट सिक्स विच इज़ वेरी हाई सो एडजस्टेड आर स्क्र जब हम वेरिएबल uh, ज्यादा डालते जाते हैं तो एडजस्टेड आर स्क्र की वैल्यू चेंज होती जाती है लेकिन यू जस्ट फोकसड ऑन दिसर वैल्यू दिस इज मोर देन एन सो नाउ आर और आर स्क्वा की वैल्यू कोर लेशन नाइन थ्री एंड आर स्क्र वैल्यू टेल्स अस हाउ मच वेरियंस इज एक्सप्लेन एंड यू कैन सी कि इज़ अ हाई वैल्यू सो इसके अंदर जो आपने रिपोर्ट करनी है वैल्यू मेनली आपकी आर स्क्वायेर की वैल्यू यू कैन सी द स्टैंडर्ड ऑल्सो और डर्बन वॉटसन की वैल्यू हमने कहा था कि टू के राउंड होनी चाहिए वन से नीचे या थ्री से अगर ऊपर होगी तो वो प्रॉब्लम है इट इज़ वेरी मच क्लोज टू दैट सो इसका मतलब कि हमारी कोई ऑटो कोरलेशन का प्रॉब्लम नहीं है ऑटो कोरलेशन का हमने बात की है कि उसका मतलब है कि हमारी जो एरर या रिजिजल वेरियंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के हर लेवल के ऊपर कॉन्स्टेंट होना चाहिए फिर हमारे पास ये वही टेबल है जो मैंने पीछे बताया है द टेबल ऑल्सो गिव डबन वैल्यू जो हमने बात कर ली है और उसके बाद हमारे पास जो मेन मॉडल के नीचे वो टेबल देता है वो इनोवा का टेबल देता है अब इनोवा टेबल क्यों देता है क्योंकि इनोवा हमारे पास चेक करता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारी इक्वेशन जो है वो आर की पॉपुलेशन की वो इक्वल टू जीरो है इनोवा चेक करता है कि जो मॉडल आपने बनाया है एक लीनियर इक्वेशन ए प्लस बी एक्स क्या ये बेहतर है ज़ीरो मॉडल से कि नहीं सो so आपका जो मॉडल उसने बनाया है कि इतने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है लीनियर के ऊपर तो इनोवा टेस्ट दैट मॉडल इज़ अ गुड फिट या बेहतर है कि नहीं है और अगर सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब है कि जो हमारा ये इक्वेशन के मुताबिक मॉडल बना है दिस इज़ बेटर देन द जीरो मॉडल सो मॉडल इन दिस एग्जाम्पल रीच स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस फिफ्टी और ये हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने मॉडल बनाया है प्रोडिक्टर को रख के और हम वेट से इनकम प्रोडिक्ट कर रहे हैं इट इज़ बेटर एंड सिग्निफिकेंट फिर हमारा तीसरा टेबल जो रिजल्ट्स में आता है वो क्वाफिशंट्स का आता है कोफिशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वो हर प्रोडिक्टर की देते हैं कि वो कितने परसेंट वेरियंस एक्सप्लेन कर रहा है सो so पहली बात तो यह कि वेट के लिए हमने जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट करना होता है वो है माइनस पॉइंट नाइन थ्री अब माइनस पॉइंट नाइन थ्री का मतलब क्या है और मेनली इससे भी ज़्यादा जरूरी आपने सिग्निफिकेंट देखनी होती है कि क्या हमारा ये प्रोडिक्टर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल सो आई एज यू कैन सी माइनस पॉइंट नाइन थ्री इज़ अ काइंड हाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेरियंस एक्सप्लेन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल और ये सिग्निफिकेंट भी हाईली सिग्निफिकेंट भी है और दूसरी बात एक हमने बात की थी कि जैसे अगर आपने खुद इक्वेशन बनानी हो जैसा हम कहते हैं कि वाई प्रिडिक्ट करने के लिए हमारी इक्वेशन है ए प्लस बी एक्स अब इसके अंदर ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है आपकी जो ये वैल्यू है जिसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ए और जो हमारी ये नीचे वैल्यू है यानी अनस्टैंडर्डाइज बीटा कोएफिशिएंट ये हमारी बी वैल्यू है ये वाला बी वैल्यू जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर ए और बी की बात की हुई है सो so, अगर फर्ज करें कि आपने प्रोडिक्ट करनी है इनकम अगर किसी भी स्टूडेंट का वेट जो है वो बहुत ही वन कैटेगरी में है यानी वो थिनेस्ट है तो उसके लिए हम उसकी इनकम प्रोडक्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग एंड बी को ए की वैल्यू हम लगा देंगे वन नाइनटीन पॉइंट एट फाइव और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस सेवनटीन पॉइंट नाइन फाइव और किसी भी एक्स वैल्यू अब एक रख लें दो रख लें तीन रख लें आप उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं सो so, ये क्फिशेंट का टेबल आपको ए और बी कांस्टेंट भी बताता है और आपको यूनिक प्रोडक्टिव पावर ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बताता है यानी इट टेल्स यू कि हर आपके प्रोडिक्टर की यूनिक प्रोडक्टिव पावर कितनी है विच इज़ कॉल्ड स्टैंडरडाइज बीटा कोफिशेंट स्टैंडर्डाइज बीटा कोफिशेंट और अनस्टैंडरडाइज बीटा जो हमारे हैं वो हमारे ए और बी क्वापिशन है सो हाउ गोना इंटरप्रेट दिज रिजल्ट हाउ वी गोना राइट क्योंकि हमारे पास टेबल्स आपने देखे जम्पन्स के भी थे हमारे पास टेबल हमारा मॉडल फिट समरी भी था इनोवा टेबल भी था और फिर हमारे क्वेश्चन का टेबल भी था तो दिस इज सिंपल इन रिग्रेसन वॉज रन टू अस वेडिक्स इनकम इन वुमन प्रिलिमिनरी वनडक्टेड टू एंश्योर नो वायलेशन ऑफ द जम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी लिनियारिटी एंड होमोज के डास्टिसिटी

ये काट दें वेट वॉज है ये वेट वॉज़ फाउंड टू बी अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव प्रडिक्टर ऑफ इनकम तो नेगेटिव प्रोडिक्टर का अब क्या मतलब है क्योंकि हमारी वैल्यू जो है बीटा की आपने देखी कि वेट के साथ हमारी नेगेटिव वैल्यू आई थी सो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास एक इनकम है और एक हमारे पास वेट है सो so, जैसे जैसे वेट कम हो रहा है आपकी इनकम ज़्यादा सो स्लिमर स्मार्टेस्ट यू आर Uh, income is more so, lower category in income uh, weight would uh, predict uh, more income in there. So, this is how you will be uh, reporting results um, as per APA uh, for simple linear regression.